लैपटॉप ले, लैपटॉप वाले 150 रुपया में RTX 3080 वाला लैपटॉप ले, लैपटॉप ले, लैपटॉप वाले 150 रुपया में लैपटॉप ले। इससे पहले मैं संडे को लाइव स्ट्रीम किया करता था, वहां लोगों के क्वेश्चंस लिया करता था, लेकिन सेम क्वेश्चन बार बार आते थे और फिर बार बार सेम आंसर करना पड़ता था, काफी ज्यादा स्पैमिंग हो रही थी। ये संडे की होने वाली वीडियो बहुत हिट होगी अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो। मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा। देखिए, आज तक मैंने कोई टारगेट नहीं रखा, लेकिन आज मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। इस वीडियो पर जितने व्यूज आ रहे हैं उतने ही लाइक या डिसलाइक आने चाहिए, तभी हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, अगर 100 व्यूज आते हैं इस वीडियो पर तो 90 लाइक्स 10 डिसलाइक्स आप रख सकते हो। मतलब लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ भी करो, एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए कि जो मैंने काम किया है वो आपने कितना पसंद किया। अगर आप ये इतना सा काम कर दोगे तो हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और मुझे पता है आप आराम से कर दोगे क्योंकि आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो करते हैं वीडियो शुरू बिना देर करें, आज होगा फुल एंटरटेनमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, ये है संडे क्यू एन ए, फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे चैनल पे, आगे भी हम करेंगे। इससे पहले मैं लाइव स्ट्रीम पे किया करता था। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आप हमारे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको मिलेगा बहुत सारा कंटेंट लैपटॉप से रिलेटेड। मैं अभी तक करीब 300 वीडियोस बना चुका हूँ, तो आपको ग्रेट नॉलेज मिलेगी। बाकी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछने वाले हैं हेमंत शर्मा आर्ट्स। हेमंत शर्मा जी पूछते हैं, व्हेन एसर नाइट्रो 5 राइजन 5 5600H GTX 1650 एंड लेनोवो लीजन 5 राइजन 5 4600H GTX 1650 बोथ विल बैक इन स्टॉक। देखो, कोई भी लैपटॉप किसी भी वेबसाइट पे कब स्टॉक में आएगा या नहीं आएगा, ये सेलर की मर्जी से चलता है। मतलब सेलर लाता है लैपटॉप को किसी भी वेबसाइट पे, तो हमारा बताना मुश्किल है कि कब लैपटॉप स्टॉक में आएगा या नहीं आएगा। लास्ट ईयर जैसा मैंने देखा था उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूजुअली जो लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, जो बंद भी हो जाते हैं या फिर कह लो आप मिलते नहीं है मार्केट के अंदर, तो वो जो सेल में है वो दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर बिक जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। शिवम सिंह जी पूछते हैं, इज HP पवेलियन गेमिंग i7 10th जनरेशन 10 870H एंड 1650 Ti फॉर 86,000, क्या ये वर्थ है लेना? देखिए, 86,000 रुपए में ये लैपटॉप लेना वर्थ है या नहीं है, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको इंटेल ही चाहिए तो आपका लगभग इतना खर्चा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इतना खर्चा करने से बचो। 70,000 के नीचे भी आपको इससे बेटर या फिर इतनी परफॉर्मेंस मिल सकती है। आप राइजन 7 4800H के साथ जा सकते हो या फिर राइजन 5 4600H के साथ जा सकते हो। आप अपना थोड़ा पैसा बचाओ, बाकी सारी चीजों में इन्वेस्ट करो पैसा, जैसे रैम अपग्रेड करने में या लैपटॉप की जो एसेसरीज हैं वो आप बाय कर सकते हो, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं समझता सिर्फ इंटेल की वजह से आपको इतना पैसा खर्च करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पवेलियन तो वैसे भी आप बंद लेना, क्योंकि अगर आप इंटेल की वजह से पवेलियन ले रहे हो तो इंटेल की वजह से आप कोई दूसरे सारे लैपटॉप भी ले सकते हो। पवेलियन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये लैपटॉप 65,000-70,000 रुपए तक ठीक है, इससे ज्यादा पैसा डालना ठीक नहीं मेरे हिसाब से। सूरज कुमार जी लिखते हैं, हेलो सर, सजेस्ट एन AMD राइजन 5 5000 सीरीज लैपटॉप बिटवीन 50K एंड 60K। आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कोडिंग एंड रन हैवी सॉफ्टवेयर इज मेन प्रायोरिटी, स्ट्रीम सम हाई एंड गेम्स ओकेशनली। देखिए, AMD 5000 सीरीज का कोई भी बढ़िया लैपटॉप डेडिकेटेड GPU के साथ 60,000 में तो मिलने से रहा नहीं मिलेगा, तो आप जा सकते हो 4600H वाले लैपटॉप के साथ। आप ले सकते हो IdeaPad Gaming 3, ये आपके सारे टास्क करवा देगा। आपने लिखा है हैवी सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं और आपको हाई एंड गेम्स को स्ट्रीम करना है, तो यह आप समझ लो हाई एंड सॉफ्टवेयर तो आप कोई सा भी चला सकते हो इस प्रोसेसर पे, बट अगर आपको हाई एंड गेम्स की स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए इसके अंदर जो GPU है वो फिट नहीं बैठेगा, 1650 बहुत कम रहेगा। अगर इस पे आप स्ट्रीमिंग करोगे तो आपको GTA 5 में करीब 30 FPS मिलेंगे और करीब 30 FPS की ही स्ट्रीम आप कर पाओगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करते हो। थोड़ा बहुत सेटिंग को ट्विक करने से काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है अच्छे गेम्स की तो कम से कम 1660 Ti प्रोसेसर लो, इससे कम वाला कोई लैपटॉप मत लेना वरना कोई काम नहीं चलेगा। प्रवीण बसी राजू जी लिखते हैं, डस गेमिंग लैपटॉप कम्स विद लाइफ टाइम फ्री MS ऑफिस, डस गेमिंग लैपटॉप कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड या फ्री Games. How is Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 4600H 1TB HDD 256GB SSD and 120Hz? तो एक एक करके आपके तीनों questions के मैं आंसर देता हूं। देखो, पहला आंसर तो ये है, अगर किसी लैपटॉप के साथ में mention है कि उसके साथ में आपको MS Office फ्री मिल रहा है तो मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि कोई भी लैपटॉप फ्री गेम्स के साथ में या प्री इंस्टॉल्ड गेम्स के साथ में नहीं आता है, आपको गेम्स खुद से डाउनलोड करने हैं। अगर आप गेम्स बाय नहीं कर सकते लेजिट गेम्स को, तो आप विंडोज स्टोर से या फिर एपिक स्टोर से वैलोरेंट वगैरह या फिर इस तरह के कुछ गेम्स आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ये सारे गेम्स फ्री होते हैं, एपिक स्टोर भी टाइम टू टाइम आपको गेम्स फ्री देता है, तो आप एपिक लॉन्चर को डाउनलोड करके रख सकते हो और मजे ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, IdeaPad Gaming 3 का रिव्यू वीडियो लगता है आपने देखा नहीं, वरना आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछते। कैसे व्यूअर हैं आपका?
कम से कम वीडियो तो देखना चाहिए ना रिव्यू वाला। आई बटन में लिंक है, आप वीडियो देख लीजिए, आइडियापैड गेमिंग 3 के बारे में सब कुछ जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है गेम सिंडिकेट ने, ये लिखते हैं क्या लैपटॉप प्राइसेस अक्टूबर सेल में ड्रॉप होंगे, अगर होंगे तो कितने और अगर नहीं होंगे तो क्यों, और लिखा भी है प्लीज एड दिस क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ले लिया गया है क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा। देखिए प्राइस ड्रॉप होने के तो चांस नहीं है, प्राइस और उल्टे बढ़ सकते हैं। हाँ, अक्टूबर सेल आते आते आपको कुछ बैंक के डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलने लगते हैं, 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक का वो डिस्काउंट हो सकता है। डिपेंड करता है जिस बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट आया है वो कार्ड आपके पास है तो आप डिस्काउंट का फायदा ले सकती हो। लेकिन ये भी आपको याद रखनी है कि आपके कार्ड में उतने पैसे होने चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड है तो उतनी लिमिट होनी चाहिए। स्वागत जी का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना। व्हाट आर योर पैशंस हॉबीज एक्सेप्ट फॉर डिगिंग टेक? पैशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक हॉबी है मेरी कामयाब लोगों की स्पीच सुनना, उनसे एक्सपीरियंस लेना जितना मैं ले सकता हूं। एक और हॉबी है बॉलीवुड सॉन्ग सुनना, देखना और रैपिंग करना। तो हो जाए डेमो लगा फिर। चौथों टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, बस कर ये जलवे न दिखा, ये सब मैं वो देख चुका, तू जैसी तो बच जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है, मैं हूँ शिकारी कुड़िये खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। Char_158 पूछते हैं सर टेल मी योर एक्सपीरियंस विद आसुस टफ लैपटॉप, यू यूज़ वेरी हार्ड कोर यूजेज, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड कोर यूज़ करता हूँ टफ लैपटॉप को, मेरे पास दो टफ लैपटॉप हैं तो इनके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए मैं अपने टफ लैपटॉप से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, एक ही चीज़ मुझे थोड़ा परेशान करती है वो है इसके थर्मल्स, बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टडीनेस बहुत अच्छी है और अभी तक मेरे लैपटॉप सर्विस सेंटर नहीं गए, ये मेरे लिए एक काफ़ी अच्छी बात रही। बाकी इन लैपटॉप्स के टेम्परेचर आप 90 डिग्री से नीचे रख सकते हो अगर आप अंडर वोल्टिंग करना जानते हो, अगर आप अंडर वोल्टिंग करना नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अंडर वोल्टिंग करना सीख लीजिए। जिसमें होता जी लिखते हैं 1 मिलियन कब हो रहा है आपका? इतनी खुशी मुझे आज तक। यार देखो करवाने वाले तो आप ही हो, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं चैनल को, सिर्फ 5% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा हुआ है, 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं, तो यार कम से कम सब्सक्राइब ही कर दो, थोड़ा सा रेशियो बढ़ जाएगा, हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारा चैनल और चल जाएगा। निखिल पाटिल जी पूछते हैं एसर नाइट्रो 5 राइजन 7 1650 Ti वर्सेज लीजन 5 राइजन 7 1650 Ti, उससे पूछो तो एक बार बताता हूँ लीजन। प्लेलिस्ट पूछते हैं सर मेरे पास आइडियापैड गेमिंग 3i लैपटॉप है पर उसमें बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा है, मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं इस लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाकर यूज़ कर सकता हूँ? इसका मतलब आप चार्जिंग पे लगा के इसे यूज़ नहीं करते हो। देखिए गेमिंग लैपटॉप 2-3 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं देते अगर उनके अंदर 50 Wh की बैटरी है या 50 से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो वो 2-3 घंटे से 4 घंटे से ज़्यादा का बैटरी बैकअप नहीं देते। और अगर आप चार्जिंग पे लगा के यूज़ नहीं कर रहे हो लैपटॉप को तो आप गलती कर रहे हो, आप अपनी बैटरी को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। कोशिश करो जितने टाइम आप लैपटॉप यूज़ करो हैवी तब तक आप उसमें चार्जर प्लग इन करके रखो, इससे आपकी बैटरी काफ़ी सिक्योर रहेगी। आसिफ अहमद जी पूछते हैं कौन सा बहुत बढ़िया लैपटॉप है 1,10,000 के अंदर? देखो 1,10,000 के अंदर मैं रिकमेंड करूँगा Asus TUF A15, Asus TUF A15 जो 2021 वाला है, जिसके अंदर है Ryzen 7 5800H प्रोसेसर एंड RTX 3060, इसकी TGP है 95 W इसके GPU की, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा 1,10,000 के अंदर, बहुत अच्छा लैपटॉप है लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़ गया है। भैया सिंह जी पूछते हैं बेस्ट कूलिंग पैड फॉर लैपटॉप अंडर 2,000 rupees। देखो कूलिंग पैड कुछ ज़्यादा नहीं करता, कूलिंग पैड पे इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोशिश करो कूलिंग पैड ना लो, हो सके तो थोड़े ठंडे एनवायरनमेंट में अपने लैपटॉप को यूज़ कर लो, घर के नीचे वाले हिस्से में चले जाओ या फिर एक सुरंग बना लो उसके अंदर चले जाओ, मजाक कर रहा था। वैसे कूलिंग अगर आपको बढ़िया चाहिए अपने लैपटॉप में तो कुछ तरीके अपना सकते हो, स्क्रीन पर कुछ थंबनेल्स दिख रही होंगी यहाँ वहाँ कहीं पर आपको, तो इन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इन वीडियो को देखिए बहुत नॉलेज मिलेगी, लैपटॉप को ठंडा रख पाएंगे। गेमिंग वर्ल्ड ने लिखा है प्लीज रिप्लाई विच इज बेस्ट प्रोसेसर अबव 80K लैपटॉप AMD और इंटेल, मतलब ये कह रहे हैं कि 80,000 से ऊपर का लैपटॉप ले रहे हैं तो AMD लें या इंटेल लें, ये चाहते हैं मैं इनके क्वेश्चन का आंसर हाई यूजेस को मद्देनजर रखते हुए रखूं। देखिए अगर आपको हाई यूजेस करने हैं अपने लैपटॉप पे, हाई यूजेस का मतलब क्या होता है? हाई यूजेस का मतलब होता है बेसिकली मल्टीटास्किंग, अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है किसी भी लैपटॉप पे दबा के, मतलब आप चाहते हो जरा सा भी लैगिंग ना हो, बहुत मस्त एक्सपीरियंस मिले, कितने भी सॉफ्टवेयर एक साथ चला सकें, तो आप कोशिश करो AMD लो, क्योंकि AMD वैल्यू फॉर मनी भी है और आपको 80,000 से ऊपर के लैपटॉप में अगर आप AMD लेते हो तो आपको आसानी से Ryzen 7 किसी अच्छे लैपटॉप, किसी अच्छे चेसेस वाले लैपटॉप में आपको Ryzen 7 4800H आराम से मिल जाएगा, बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देगा। हैवी यूजर्स के लिए कोशिश करनी चाहिए कम से कम 6 कोर या 8 कोर वाला प्रोसेसर लिया जाए।
गला सूख गया भाई साहब। आज अंशुमन जी पूछते हैं विच लैपटॉप प्रोसेसर इज गुड, राइजन 5 और राइजन 7? बाय द वे लव योर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर ऑलवेज अपडेटिंग अस अबाउट लैपटॉप्स। दस तरीके इस क्वेश्चन का आंसर तो बाढ़क भी कर सके हैं, बता दो जरा कमेंट बॉक्स में राइजन 5 अच्छा है या राइजन 7। पंच परवानी ने तीन क्वेश्चन लिखे हैं, इनके तीन क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ। हाउ मच स्टोरेज इज इनफ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स और लैपटॉप, और इज एमएस ऑफिस नेसेसरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट, और इस गेमिंग लैपटॉप इज गुड फॉर कॉलेज स्टूडेंट। देखो कॉलेज स्टूडेंट को गेम खेलने हैं तो गेमिंग लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि एन्जॉयबल एक्सपीरियंस गेमिंग लैपटॉप में ही मिलता है। देखो गेमिंग अगर आपको करनी है ना तो यार कम से कम 60 FPS होनी चाहिए लैपटॉप के अंदर, 60 FPS आएंगे स्क्रीन में तो एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, मज़ा आएगा गेम करते हुए। और इसके लिए कम से कम 1650 डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप होना चाहिए। फिलहाल गेमिंग लैपटॉप के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, गेमिंग लैपटॉप लेना पड़ेगा अगर गेम खेलना है तो। और स्टूडेंट्स के लिए कितनी स्टोरेज वगैरह होनी चाहिए, तो कम से कम ये समझो आप 256 GB SSD होनी चाहिए, 512 GB रहेगा तो और अच्छा रहेगा। वैसे जिन लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं होती है उनके अंदर 512 GB SSD लगा कर ही दी जाती है। मैं पर्सनली ऐसे लैपटॉप प्रेफर करता हूँ जिन लैपटॉप में HDD लगाई जा सके अगर उनमें कोई एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट नहीं है, और अगर HDD नहीं लगाई जा सकती तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा या तो स्लॉट होना चाहिए SSD का, और एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है तो कम से कम 1 TB की SSD हो, 1 TB की ना हो तो 512 GB से भी काम चल जाएगा। एक्चुअली हम लोग क्रिएटर्स हैं ना तो हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा स्टोरेज की, क्योंकि हमें वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी रहती है, फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं बहुत सारी अपने लैपटॉप में। अगर आपको भी ये काम है तो आप भी लीजिए बड़ी स्टोरेज। अभिषेक कुमार जी पूछते हैं सर कोई चांसेस हैं कि लीजन 5 दिवाली सेल तक 60K में मिलेगा या नहीं? अभी तो इसका प्राइस हाई हो गया है, लेकिन दिवाली सेल में ये 60,000 का मिल सकता है अगर अवेलेबिलिटी लैपटॉप्स की पूरी हो जाती है। देखिए सोर्सेज बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी दिसंबर तक पूरी नहीं होने वाली है, और अवेलेबिलिटी पूरी हो भी जाती है तो लोग जो है ना पानी की तरह पी रहे हैं लैपटॉप्स, इस वजह से कमी पड़ी हुई है। क्यों पी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं नए लैपटॉप्स को? इसलिए खा पी रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है IT सेक्टर में निकल रही है बहुत सारी धड़ल्ले से जॉब। और तीसरा रीज़न मैं ये बोलूँगा क्योंकि जिस तरह का रिवॉल्यूशन आया हुआ है ना, अभी सब लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप भी कर रहे हैं, तो इस वजह से लैपटॉप्स की डिमांड हाई है, चाहे टीचर हों चाहे स्टूडेंट हों, सबको चाहिए नया लैपटॉप। कंपनियां भी फुल मजे ले रही हैं, कंपनियां जो हैं अच्छे CPU बजट रेंज में लाई नहीं रही हैं, अच्छे CPU को वो लोग हाई एंड लैपटॉप में डाल देते हैं जिससे कि अच्छा खासा पैसा बनाया जा सके। भाई कोरोना इफेक्ट की वजह से सेल गिरी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा यार कंपनी को जिंदा करने के लिए। अवनीत सिंह जी पूछते हैं HP पवेलियन राइजन 5 3550 GTX 1650 सही रहेगा? देखिए सही तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपका बजट 50,000 से ऊपर है तो आप मत लीजिए, 50,000 से नीचे आपका बजट है तो लेना आपकी मजबूरी होगी। वीडियो को लास्ट में लेने वाला हूँ एक जबरदस्त क्वेश्चन, उसके लिए रुकना। स्वरूप चौधरी जी पूछते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 65K। यार लगता है आप लोग मुझे सही से फॉलो नहीं करते हो, अगर फॉलो कर रहे होते ना वरना ये क्वेश्चन नहीं पूछते मुझसे। भाई साहब डिक्लेयर्ड है पूरी तरह से 65,000 के नीचे सबसे बढ़िया लैपटॉप है गेमिंग लैपटॉप IdeaPad Gaming 3। आँख बंद करो ले लो, आँख नहीं बंद करनी है, रिव्यू देख लो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, रिव्यू देखो आराम से, उसके बाद लेना लैपटॉप, ठीक है? 1227 मतलब देख रहे हो 1227। साहिल नदव जी पूछते हैं i7 10 750H एंड 1650 Ti रोग स्ट्रिक्स इज वर्थ इन 79K? वेल देखो अगर लव स्ट्रिक्स जो है आपको पसंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, प्यार हो गया आपको स्ट्रिक्स से, तो आप ले सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है लैपटॉप लेना। और शायद हाँ वर्थ, अगर आप पूछ रहे हैं कि वर्थ है या नहीं है, देखो स्ट्रिक्स की बिल्ड क्वालिटी जिस तरह की अच्छी है ना, तो उस वजह से ये लैपटॉप जो है ना बहुत के दिलों में राज करता है, तो आप चाहो तो ले सकते हो भाई। देखो i7 के लिए लगभग 80,000 आपके खर्च हो जाएंगे। अलदर पटेल जी पूछते हैं विच इज़ बेटर लेनोवो लीजन और HP ओमेन इन टर्म्स ऑफ वारंटी, सर्विस फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ एंड कौन सा ब्रांड अच्छा है, ये पूछ रहे हैं मुझे। वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सब अच्छी सर्विस देते हैं, सबके सर्विस सेंटर्स बढ़िया हैं, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में जो सर्विस सेंटर है उसका ओनर कितना ऑनेस्ट है या नहीं है, या जो इंजीनियर आ रहा है वहाँ से वो कितना ऑनेस्ट है। इंजीनियर्स का बेसिकली आप ये समझो, इंजीनियर इंजीनियर तो मेरे ख्याल से नहीं होते हैं, मेन चीज़ क्या होती है बस एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा बहुत लैपटॉप को खोलने बांधने का, वो बंदे हायर कर लिए जाते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो यार, एक बहुत अच्छे इंजीनियर को 30-35-40,000 रुपये की सैलरी महीने की तो पे करेंगे नहीं, और
मतलब 35-40 हज़ार रुपए सैलरी लेने वाला जो प्रॉपर इंजीनियर होगा ना, वो भी आपके घर नहीं आने बैठ रहा। तो हमारे जैसा बंदा तो किसी हाल में नहीं डोलेगा। सीधी बात आप ये समझो, ज़्यादातर लोग होते हैं कम एक्सपीरियंस वाले, सारे कंपनीज के सर्विस सेंटर ज़्यादातर के थर्ड पार्टी होते हैं। तो अगर आपको कोई इशू आता है लैपटॉप में, आप एक्सप्लेन कर देते हो अच्छे से और आप जानते हो, अगर आपने हमारे वीडियोस देख रखे हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप जो है टैकल कर लोगे, बढ़िया सर्विस ले लोगे किसी भी कंपनी के सर्विस सेंटर से। और अगर आपको खुद ही नहीं पता है कुछ चीज़ें, या फिर आप छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते हो, तो भैया सर्विस सेंटर वाले तो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। अब आ गया है सबसे तड़कता भड़कता क्वेश्चन आज के क्यूएनए का। गॉड गेमिंग पूछते हैं 150 रुपए में, मतलब 150 रुपए में RTX 3080 वाला लैपटॉप मिलेगा? यार इतनी चरस कहां से लाते हो, थोड़ी हमें भी भिजवा दो। He is high on feet. आज के Q&A में हो गया 21 क्वेश्चंस का शगुन। उम्मीद करता हूँ ये Q&A खूब देखा जाएगा, आप इसे फैला दोगे, वायरल कर दोगे। तो यार अगर किसी का क्वेश्चन ना ले पाया हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। कोशिश करो आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो वो थोड़ा सा यूनिक हो, या फिर अगर बहुत कॉमन हो तो भी उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि कॉमन क्वेश्चन जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, तो उससे क्या है ना, काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल जाती है। और अगर यूनिक है तो ज़रूर उठाऊंगा आपका क्वेश्चन, कुछ अच्छा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, लोगों के काम का होगा। अगले संडे को जो Q&A आने वाला है उसके क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के कमेंट से उठाऊंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, बढ़िया से बढ़िया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। A to Z कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, फटाक से लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को Q&A वाले वीडियो में। उससे पहले तो आपको काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर मिलेंगे ही, ये मत सोच लेना कि अगले ही संडे को मिलूंगा, बीच बीच में भी मिलूंगा यार बहुत सारे वीडियोस में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।